वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हम बात कर रहे थे टीनेज इश्यूज़ पे, और अभी हम सहर और फौजिया से बात कर रहे थे बच्चों पे पढ़ाई का जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सहर, आप ब्रेक से पहले हम ट्यूशन्स के बारे में बात कर रहे थे, और मैं आपसे कह रही थी कि एक ये डिपेंडेंस जो हो गई है बच्चों की ट्यूशन पे, और आपने कहा एंड आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट कि ट्यूशन पे डिपेंडेंस नेसेसरीली नहीं हो गई है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है या एक ऐसी चीज़ बन गई है कि बच्चे वहाँ मिलते हैं और कई दफ़ा फिर वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे होते क्लासरूम में, क्योंकि उन्हें पता है वो ट्यूशन में जाके वो थोड़ी बहुत वो कर लेंगे और टीचर्स भी उस चीज़ पे फोकस करते हैं। बताइए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? दिस इज़ बिकम अ कल्चरल डायरेक्टिव। मैं आपको एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पेरेंट्स के ऊपर भी डालूंगी इसकी, और मैं इसको आप टीनेजर्स से पीछे लेके जाऊंगी। अब टीनेजर्स अगर ट्यूशन लेते हैं तो ठीक है, टीचर अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एक्स वाई जेड फैक्टर, जितनी आप टेक ऑल द नेगेटिव्स फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर क्लास टू का बच्चा या अगर क्लास वन का बच्चा ट्यूशन ले रहा है जी, तो उसके ऊपर कोई ऐसा पढ़ाई का प्रेशर नहीं है कि उसको ट्यूशन चाहिए। तो क्या वजह है? अब हम बात करते हैं अपने रियल इशू पे, टीनेज इशू पे, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वालदैन का रोल या लैक ऑफ रोल जो है उसको आप कैसे देखती हैं? फौजिया, आई विल स्टार्ट विद यू एंड देन सहर, आई विल लेट यू फिनिश। जी बताइए। एज फार एज ट्यूशंस आर कंसर्नड, इफ वी कम बैक टू दैट, वालदैन अ लॉट ऑफ टाइम्स उनके पास इस ज़माने में या टाइम नहीं है, या फिर उनके इतने सोशल कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, दैट दे थिंक कि चलो ये काम तो हम किसी और के सर लगा दें। अच्छा। और वो अपनी एक टाइम बचाने के लिए या अपनी वो मेहनत नहीं करना चाहते तो वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। देखिए फौजिया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो वर्किंग मॉम्स होती हैं वो अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेजती हैं, मगर मैंने इसका बरक्स देखा है। मैंने ये भी देखा है कि घरों में जो काम नहीं कर रही खवातीन और वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो भी अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेज रही हैं। वो उनका तो फिर यही वही बात होगी ना कि दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम इन देयर स्टूडेंट चिल्ड्रन। उसमें वो भी लॉट आ जाता है जो कि बैकग्राउंड जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े हुए, अच्छा, वो दे नीड दैट हेल्प, ठीक है, वो फिर लेते हैं। लेकिन जो पढ़ी लिखी मदर्स या पढ़े लिखे फादर्स हु आर नॉट इन्वेस्टिंग टाइम, अगर आप अपने बच्चे में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे टाइम की, तो यू विल नेवर गेट द रिजल्ट्स। एंड इट इज द It is the students जो नहीं ट्यूशन्स लेते who are excelling। बिल्कुल सही। It's a kind of transfer of responsibility। और जब आप इस phenomena को देखते हैं तो जो बात जिससे हमने शुरू की कि माँ बाप को बात करनी चाहिए अपने बच्चों से, माँ बाप नहीं समझाएंगे उस crucial time पे तो कौन समझाएगा? अगर पढ़ाने का टाइम नहीं है, वो ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या माँ बाप ये टाइम निकालेंगे कि वो अपने बच्चे को तरबियत दे सकें? जी, तरबियत के हवाले से दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या वजह है कि अब ये जो जनरेशन है, और मैं कहूँगी हमारी जनरेशन ऑफ मदर्स, हम अपने बच्चों को वो तरबियत परहैप्स नहीं दे रहे जो कि हमारे माँ बाप ने दी थी? क्या वो लैक ऑफ टाइम है? क्या वो ये फैक्ट है कि हम अब एक हम खुद भी काम कर रहे हैं और अब महंगाई का ज़माना है, एक औरत को भी शाना बशाना आदमी के साथ काम करना पड़ रहा है? तो क्या आप दोनों समझती हैं कि क्या वजूहात हैं कि माँ बाप वो फोकस हट गया है बच्चों से? आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, माँ बाप की माओं की माँ बाप की अपनी वैल्यूज क्या है, पहले आप मुझे ये बताएं। इन दिस डे एंड एज बदल गई हैं, आई एम श्योर। Is their focus the same? उनकी जिंदगी किस चीज़ के गिर्द फोकस करती है? Once you answer that question, which might not be appropriate to spell out, but we all understand it. जी जी। नहीं, आपका किस तरफ इशारा? आप खुल के बताइए। देखें, superficiality पे। Superficiality एक बात है। दूसरा आपकी, अगर आप देखें, I'll give you an analogy. New money and old money. आजकल बहुत लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपका एक कल्चर डेवलप होता है, विच इज़ अबाउट द किटी पार्टीज, इट इज़ अबाउट हु हैज़ व्हाट एंड हियर एंड देयर, एंड माँ बाप भी टाइम नहीं है तो पैसा दे दिया बच्चों को। सही है। आप जो चीज़ खुद सही समझते हैं, क्या ये वही चीज़ें हैं जो आपके माँ बाप सही समझते थे? अच्छा, इससे मैं एक फिर एक हट के मैं आपसे सवाल पूछूंगी सहर, कि आप फिर प्रॉब्लम्स क्या एक सर्टन सोशल स्टेटस के बच्चों में है? क्या जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल इनकम लेवल के वालदैन हैं वो अपने बच्चों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं?
ट्रांसफरेंस, अगर आई एम सो सॉरी फौजिया बात कर रही थी, लेकिन अगर एक लेवल एक चीज कर रहा है तो देयर इज अनदर लेवल दैट्स ट्राइंग टू कीप अप विद इन्फ्लुएंस हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, पीयर प्रेशर्स होते हैं. ठीक है, आप यू सी कीपिंग अप विद द जोनेसेस इज नॉट जस्ट विद द फैमिलीज, इट्स विद द किड्स. ठीक है, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि बिकॉज एक सर्टन इनकम ग्रुप जो हायर इनकम ग्रुप है वहां पे माँ बाप का फोकस हट गया है, परहैप्स वो आप कह रही थी किटी पार्टीज और उनका अलग उनका फोकस हट गया है, उस वजह से बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं. आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरे ख्याल में ये किसी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी से नहीं है, ये यू कैन नॉट आइसोलेटेड कि ये स्ट्राटा में ये प्रॉब्लम है. ठीक है, ये हर उस घर में प्रॉब्लम है जहाँ पे एक फैमिली सेटअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेटअप वैल्यूज नहीं है. ठीक है, वो एक मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर क्लास या अपर क्लास फैमिली हो, आई डोंट थिंक वी कैन डिफ्रेंशिएट. एक घर में नानी नाना, दादी दादा, चचा फूफी कोई घर पे है जो उनको टाइम दे रहा है, सही, वो ही काउंसलर है उनके लिए. ठीक है, और अगर वो नहीं वहाँ पे हैं तो वो किसी भी स्ट्रेटा में हैं तो वो वहाँ पे वो फिर बच्चा वो सेट ऑफ वैल्यूज नहीं सीखेगा. और वो फैमिली यूनिट मगर चेंज होती जा रही है फौजी, अगर देखा जाए तो वो जॉइंट फैमिली जो सिस्टम की आप बात कर रही हैं वो चेंज हो रहा है. यू नो, आई एम सॉरी, आई दो आई एग्री विद फौजिया अ लॉट दैट ठीक है न्यूक्लियर फैमिली हो, दादा, बहुत कुछ आप उनसे सीखते हैं, बट देखें जमाने के साथ चलना है. एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो अ लॉट ऑफ फैमिलीज एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें जो सिंगल पेरेंट फैमिलीज भी हैं जिनमें माएं काम भी करती हैं लेकिन बच्चों के अंदर क्या वैल्यूज हैं, क्या कमिटमेंट है. सो इट्स नॉट, यस, टाइम इज अ फैक्टर, मैं इनको निगेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं ये, बट एक और फैक्टर ये कि आपने उनको सिखाना है, वो तरबियत देनी है और आपकी अपनी क्या वैल्यूज हैं, चाहे आप काम करते हैं चाहे नहीं करते, चाहे आप सिंगल, देयर सो मेनी सिंगल पेरेंट फैमिलीज इतना सारा बिहेवियर हम बच्चों में देखते हैं जो समटाइम्स आई एम शॉक्ड कि अगर इनका अभी ये हाल है तो बड़े होके क्या हाल होगा. अब मैं इससे आपसे सवाल पूछना चाहूंगी किस किस्म के स्पेसिफिक इश्यूज हैं. आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड टू दिस, दैट्स एग्जैक्टली आई वुड लाइक टू एग्री विद हर कि वो अगर आपके पास घर में एक ही पर्सन है, सिंगल पेरेंट है, हु इज फोकसिंग एंड पुटिंग इन ऑल दोज वैल्यूज, दैट वैल्यू सिस्टम, दैट्स इनफ. बिल्कुल, और अगर वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, अगर वो इफ दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ देन देयर मस्ट बी सम अदर सेटअप, सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, वो चाहे. और फिर वहां पे बहुत सारे स्कूल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन आवर स्कूल वी हैव गॉट अ काउंसलर, ठीक है, हु इज डीलिंग विद स्टूडेंट्स इश्यूज एंड इमोशनल इश्यूज जहाँ पे हो सकता है लैकिंग हो घर में. ठीक है, तो वी नीड दैट सपोर्ट सिस्टम वेयर एवर वी कैन फाइंड इट इन दैट चाइल्ड्स लाइफ. सही, दैट्स. और एक बात जो पहले फौजिया ने कही कि बच्चों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दें पढ़ाई की, कि अपने आप को इंगेज करें एवरी थिंग, बिहेवियरली भी ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चाहे आप कॉन्वेंट में पढ़ें चाहे आप कहीं पढ़ें, अगर सिर्फ आप रोब की वजह से या किसी रुकावट की वजह से कुछ नहीं कर रहे, आपको जो पहला मौका मिलेगा आप करेंगे. हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि जस्ट बिकॉज वी आर स्टॉपिंग यू आप नहीं रुक रहे हैं, ये सही नहीं है, इसलिए आप सही और गलत का फर्क समझाएं और उनको बताएं कि ये चॉइस तुम्हारी है. ठीक है, बिकॉज अब देखें एक्सेस टू एवरी थिंग इज वेरी इजी. बिल्कुल बिल्कुल, इन आर टाइम्स. तो वो बच्चे की अपनी चॉइस होनी चाहिए कि मैं ये करूँ या ना करूँ, ये गलत चीज़ है और ये सही चीज़ है. आप क्योंकि आप दोनों देखती हैं टीनेजर्स को, उनके साथ आधा दिन गुजारती हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या स्पेसिफिक आप लोगों को एज एजुकेटर्स, आप लोगों को क्या स्पेसिफिक इशूज नज़र आते हैं जो कि शायद 10 साल पहले या आप 15 साल पहले ना नज़र आते हों. फौजिया, आई थिंक दो तीन चीज़ें हैं, वेरियस काइंड्स. वन इज़ द एक्सपोजर टू द वेस्ट, और हम अभी वो बैलेंस नहीं क्रिएट पा रहे हैं. हमारे बच्चे भी बेचारे वो नहीं बैलेंस क्रिएट कि कितना हम वेस्ट से लें, क्योंकि दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स, वी मस्ट टेक फ्रॉम देम, और कितना हम अपनी वैल्यू सिस्टम्स को साथ रखें, क्योंकि हमारे भी ऐसे वैल्यू सिस्टम हैं जो वो लोग अपने थेरेपिस्ट्स के पास जाके ढूंढते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इनग्रेन्ड है हमारी सोसाइटी में, कि माँ बाप हैं बात करने के लिए, दादा दादी हैं, कजन्स हैं. बिल्कुल ठीक है, जो जो हमारे सिस्टम में चीजें हैं ऑडियंस के लिए, जो फौजिया कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो हमारे कल्चर में चीजें मौजूद हैं हम उनसे हटे ना,
हम उनका फायदा उठाएं, इज दैट राइट? दैट्स राइट, बट वी मस्ट ऑल्सो नॉट क्लोज आवर सेल्व्स इन अ शेल एंड से एवरीथिंग वी आर डूइंग इज राइट. There is so much we need to learn from the West. Sorry. And one good example is, you know, the quality of working hard. ठीक है, बिल्कुल. Honest hard work. बिल्कुल. जो कि हमारे माशरे में बहुत कम है. ठीक है. और जो हम उनसे सीख सकते हैं. सीख सकते हैं. Lot of things we should learn from them. बिल्कुल सही है. And we use as examples. मुझे एक और चीज जो problem लगती है जो शायद आपको अजीब लगे, बहुत सारी जगहों में, especially अगर आप private school में पढ़ाते हैं, I don't know if this is a problem for the masses. बट एक और शायद हमारा कि हम ये जो हमारा एक VIP कल्चर है ना जी, ये हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है. और एक तकब्बुर, एक जो बच्चों टॉपिक, एक छोटी सी मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ेगी, बट VIP कल्चर पे हम बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद.